हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग शर्मा एंड कौशिक्स व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और आज जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। यस, अभी शाम के बजे हैं 5 और अपॉइंटमेंट मिली नहीं है हमें क्योंकि सारे स्लॉट फुल थे आज के। कल था मेरा अपॉइंटमेंट लेकिन कल वरु की तबीयत खराब हुई तो उसको लेके जाना पड़ा, मैंने अपना कैंसिल कराया। तो बस अभी जा रहे हैं हम, देखो जितनी जल्दी से जल्दी नंबर आ जाए। बोला है हमें कि 6 बजे से अगर पहले आ जाएंगे आप तो मे बी वो लोग जल्दी नंबर ले लें। जा रहे हैं हम। ये रे कौशिक जी, जो आजकल गाड़ी में बैठ के लड़ते हैं मुझसे, ये मेरे साथ इरिटेट होने लगे हैं गाड़ी में बैठ के। ऐसा इन्हें लगता है? इन्हें क्या लगता है? ये ट्रैफिक से इरिटेट होते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता। देखो भाई साहब कर रहे हैं, पता नहीं ट्रैफिक को देख के कर रहे हो। तो मैं देख के भाई साहब देख रहा हूँ मैं। अरे चला ले यार, आकू ले आ भाई, जा जा यहाँ। तो बस पहुँचते हैं हम, देखते हैं बच्चे मम्मी के पास हैं आज दोनों। एक तो ये भी रीजन रहा है कि हम 2-3 दिन लेट हो गए। अगर मम्मी होती तो मम्मी के पास बच्चों को छोड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में ले जाना सही नहीं है। ये भी बहुत शैतानी करते हैं दोनों, एकदम शांत माहौल होता है। तो बस चल रहे हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, सनसेट जो मेरे को बहुत प्यारा लगता है जब भी हम लोग जाते हैं इवनिंग में, बहुत अच्छा लगता है। इधर ग्राउंड निकल गया, क्रिकेट ग्राउंड। ये है अपना प्यारा सा ग्रेटर नोएडा जो हमें बहुत 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 पसंद है। और बस ये सामने आने वाला है पर्थला ब्रिज जो अभी 1 साल ही हुआ है इसको बने हुए। और इसके बनने से यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से बहुत निजात मिली है, ट्रैफिक बहुत हद तक कम हो गया है इससे, है ना। और ये सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना पर्थला के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं पर्थला ब्रिज और बस यहाँ से लग रहा है 15 मिनट और लगेंगे। और ये देखो ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार, ऑसम। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं क्लिनिक और टाइम से पहले ही आ गए, 5:30 पे पहुंचा दिया इन्होंने। डॉक्टर ने बोला था कि 6 बजे से थोड़े से पहले आ जाना, इन्हें इतनी जल्दी रहती है ना हर जगह की। ये उनका अपना पर्सनल क्लिनिक है, बाकी का तो वो हॉस्पिटल में बैठते हैं। 6 बजे तो ओपन होता है। नंबर लगवा दो अपना। जा रही हूँ, इतनी जल्दी ले आए हैं ना ये। फ्रेंड्स, डॉक्टर आए लेट, थोड़े से 5 मिनट लेट हो गए हैं ना, 5 और 4 मिनट में बहुत भारी लग रही हैं बैठने में। आ चुके हैं लेकिन टाइमली, पेशेंट अभी तो कम है, देखते हैं अगर नंबर आ जाए तो। यार ये आदमी बहुत बोर हो रहे हैं, बुक्स पढ़ लो ना, बुक्स रखी हुई है इतनी सारी, बुक्स मेरे को बताना फिर ये खा सकती हो ये नहीं खा सकती। लड़ लो हर जगह ना, तुम ही लड़ रहे हो, पूरे रास्ते लड़ते आए, यहाँ पे भी लड़ना स्टार्ट है। फ्रेंड्स, दिखा के आ गई हूँ मैं, अभिषेक मेडिसिन ले रहे हैं अंदर से। गाड़ी में रखी ना दवा? हाँ, फालतू में इतनी सारी लेकर क्या करूँगी, अभी खाने से पहले वाली है ही मेरे पास। तुम्हारे सारे रूल सेट हैं, गाड़ी में बैठती ना तभी तुम्हें कोई और अच्छा नहीं लगता कि बस बैठा मैं, म्यूजिक ऑन किया, चार्जिंग पे लग गया, फोन लग गया।
इनके दो इनको तभी मैं अच्छी नहीं लगती हूँ इनके साथ जाने में, इनकी गाड़ी में बस बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। हाँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सन की बोलते हैं इनको, अनऑर्गेनाइज्ड लोग बिल्कुल पसंद सन की है। बोलते हैं इनको। हाँ, आते ही सबसे पहले फोन चार्जिंग पे लगेगा। हाँ, और सबसे पहले फिर फोन चार्जिंग पे लग के म्यूजिक चलेगा, फिर अपना आराम से ड्राइव करते हुए निकल चलो शांत, बिल्कुल किसी को बोलना नहीं है। नो, हंसने की क्या बात है, हंसने क्या बात है, तरीका होता है। अभी वहां से जब हम आए थे तो मैं फोन नहीं लगाया था इनका चार्जिंग पे, मैंने कुछ देखा तो फिर एक दो मिनट बाद फोन लगा दो चार्जिंग। हाँ भैया, कुछ और हो गया तो चाहे फुल चार्ज होगा फोन, लेकिन जरूर लगना है। हे भगवान, चलो बस दिखा लिया डॉक्टर को और उन्होंने बोला है कि उनकी तरफ से ज्यादा कुछ परहेज है नहीं, बस मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया, कोई नहीं, 3-4 किलो वजन कम कर लिया मैंने अपना 20 दिन में। अब मैं सब खाऊंगी। यस, सो हम एग्जिट कर ले रहे हैं सोसाइटी से इनकी, और आज हम बहुत टाइमली यहाँ से फ्री हो गए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए वापस, और ये देखो बच्चों ने क्या हाल कर रखा है घर का, ये रहे। वरु की तबीयत ठीक है पहले से, और अब मैं भी खाऊंगी सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर ने 3-4 चीजों का ही परहेज बताया है। बाकी डॉक्टर भी शॉक्ड रह गया सुन के ना कि 4 किलो वेट कम कर लिया। हाँ बेटा, हाँ दवाई तो खाएगा बेटा, दवा तो खानी है, बस अभी भूख लग रही है, खाना खाते हैं।